एक बात क्लियर हो जाती जी, है लेकिन किशोर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजार स्टॉक मार्केट जो है वो जबरदस्त सलामी दे रहे हैं, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, एनएससी बीएससी यानी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऊपर हैं। सेंसेक्स में तो करीब करीब 4% का उछाल है, 1897 पॉइंट उछल के सेंसेक्स इस समय 48,181 पे कारोबार कर रहा है। बाजार जबरदस्त सलामी दे रहा है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं ये बजट इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट है और इस बजट में इकोनॉमी को दुरुस्त करने की यानी जिस डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता थी अर्थव्यवस्था को उसका पूर्ण प्रयास किया गया है। यानी आत्मनिर्भर भारत पर जोर है तो स्वस्थ भारत पर भी जोर है, क्योंकि कुल मिलाकर इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो ये है कि स्वास्थ्य के बजट के अंदर 137% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बड़ी बढ़ोतरी है। यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए दिए गए हैं, वो कोरोना जिसने पिछला पूरा साल पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, उस वैक्सीन को करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर कह रहे हैं, मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट टू जारी होना, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं बल्कि
अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया बल्कि अब तो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अच्छा बजट है, बढ़िया बजट है और लोगों की आकांक्षाओं का, गरीबों की आकांक्षाओं का, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में इस समय जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ इस चर्चा में रजत सेठी हैं अर्थशास्त्री, मेरे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अश्विनी तरेजा इस चर्चा में मौजूद है। लेकिन मैं कुछ मिलाकर 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ इस बजट के अंदर, जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला, कहीं ना कहीं एफडीआई को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर को एक बड़ा बढ़ावा दिया गया है, और दूसरी बड़ी बात है कि हेल्थ को लेकर, यानी आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ध्यान दिया गया है। इसीलिए 137% का इजाफा है स्वास्थ्य के बजट के अंदर। कोरोना वैक्सीन को लेकर करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम आत्मनिर्भर हेल्थ योजना का ऐलान किया गया है, 64,180 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य योजना लॉन्च होगी। मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा, यह महत्वपूर्ण बात है। यानी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यह स्वास्थ्य का भी बजट है, यह आत्मनिर्भर भारत का भी बजट है। रजत मेरे साथ मौजूद है। रजत, अगर हम इस बजट को सरल भाषा में आम जनता के लिए, जिस समय हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो, उनको डिकोड करें, तो आप कुल मिलाकर इसको 1 मिनट में कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, आपके व्यूअर्स को एकदम सीमित दृष्टि से टैक्स स्लैब के माध्यम से इस बजट को असेस नहीं करना चाहिए। बिग पिक्चर ये है कि देश में एक आमूलचूल परिवर्तन हेल्थ के दिशा में आएगा। 137% का बढ़ोतरी, दुगने से भी ज़्यादा कर दिया जाए अगर हेल्थ बजट, तो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर पे कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ये आदमी सिर्फ सोच सकते हैं हम सब। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो निवेश के लिए रास्ता खोला है सरकार ने, और सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को के लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि सरकार लीड करेगी इन्वेस्टमेंट को, कई तरह से लीड करेगी, उसमें कई सारे आज प्रावधान रखे गए। नॉर्मल लॉ, देखिए अभी थोड़ी देर बाद एक विपक्ष के नेता जुड़ेंगे तो वो बोलेंगे देखिए ये पूंजीपतियों का बजट है, ये पैसे वालों का बजट है। तो कुल मिलाकर जो कोरोना वैक्सीन के 35,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ये पैसे वालों को नहीं दिए जा रहे। क्या आपको लगता है कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की भी बात है और स्वस्थ भारत की भी बात है? रजत, 20 सेकंड। बिल्कुल आमिर जी, देखिए राजनीतिक दल क्या बोलेंगे वो अपना सुधर निभाएंगे अपोजिशन का, उसमें ज्यादा नहीं जाकर इसके पॉजिटिव्स पे जाना चाहिए। और मैं पॉजिटिव्स आपको गिना रहा हूँ कि इतनी ज्यादा रोजगार को ध्यान में रख के इस बजट में बैलेंसिंग एक्ट किया गया है कि सही दिशाओं में अगर पैसा डले, जिसमें मल्टीप्लायर हो, 1 रुपया डले तो उसका फायदा 2-3 रुपया हो, ऐसे चीजों पर निवेश करने के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है। बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव इसका रोजगार पर पड़ेगा, रोजगार केंद्र पर है इस पूरे बजट के, आपको इस तरह से देखना चाहिए। लंबे अरसे से बजट को कवर कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, जिसके अंदर बड़े बड़ी लोक लुभावनी बातें नहीं है, जिसके अंदर ये नहीं है कि आपको हम चांद तारे दे देंगे, हम आपको हीरे जवाहरात से भर देंगे। इस बजट के अंदर है हम आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे और आपके हाथ में पैसे की ताकत को हम देंगे, यानी आप शक्तिशाली बने, यानी आप शक्तिशाली बने, आपका देश का युवा शक्तिशाली बने, जो पैसा अर्जित करे आगे बढ़े, लेकिन सरकार आपको मुहैया कराएगी
कुछ चीजें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ बात करने के लिए क्योंकि पेट्रोल को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही हैं क्योंकि सेस बढ़ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं आम जनता पर यानी आप पर पेट्रोल डीजल पे जो सेस लगा है उसका प्रभाव नहीं आएगा। आपको पेट्रोल डीजल का जाम जितना आप देते आ रहे थे उतना ही देना होगा। अश्विनी, ये महत्वपूर्ण बात आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये जो सेस बढ़ा है इसको लेकर जो कंफ्यूजन बार बार फैला, लेकिन वित्त मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसका आम जनता व्यवहार नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जो बात समझ में आ रही है कि कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, सिर्फ रीक्लासिफिकेशन हो रहा है कि जो टोटल ड्यूटी आ रही थी वो अब उसमें उसकी एक कैटेगरी सेस की बना दी गई है। जी जी, यानी कि टोटल जितना आ रहा था उतना ही लिया जाएगा। अल्टीमेटली कस्टमर तक, कंज्यूमर तक जो उसको कॉस्ट आएगी उतनी आएगी जितनी पहले आ रही थी। उसको रीक्लासीफाई इसलिए किया गया जिससे कि उसका डेडिकेटेड एक अकाउंट बने सेस के नाम पर, उसका जो पर्पज है जिसके लिए बनाया गया है फार्म सेस है तो फार्म के लिए यूज हो सके जी। तो उसमें कोई अतिरिक्त भार वाली बात नहीं, अगर इस तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो वो गलत है जी। अनुराग गुदरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। अनुराग गुदरिया, क्या आपको लगता है ये आम जनता का बजट है? क्या आपको लगता है कि इसमें आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की, और आप भी काफी स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, स्वस्थ भारत में भी पूरा जोर है, 137% का इजाफा है हेल्थ बजट के अंदर, देखिए जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों में तो आपको भी हंसी आती होगी कभी कभी कि वो कहती क्या है करती क्या है। अब देखिए, बजट इन्होंने बनाया, बजट में अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि रोजगार पे ध्यान दिया गया है, एक आध ऐसा पॉइंट बता दी जहां रोजगार पे ध्यान दिया गया हो। आपने फोकस उस पे कर लिया जहां पे आपके चुनाव होने वाले, वहां पे आपने बनाने की बात कर दी कि यहां पे हम बनाने जा रहे हैं रोड्स बनाने की, हाईवे बनाने की बात कर दी, जो आपको पता है एक साल में नहीं बन सकते, लेकिन आपने घोषणा कर दी है। घोषणा तो ये करते रहते हैं। आपने देखो, किसान की इनकम दोगुनी की बात हुई थी, कब बात हुई थी आपको पता होगा, अब 2020 खत्म होने को आ गया, 21 शुरू हो गया, लेकिन दोगुनी तो हुई नहीं और ना होने वाली है। एक ऐसा मुझे एक इन्होंने सिर्फ एक होता है कि जो बड़े लोग हैं उनको इन्हें और बड़ा बनाना है, और जो मध्य वर्गीय है और जो उससे भी नीचे वर्ग का आदमी को एकदम गरीब बनाने में लगे हुए हैं, इनको कमर तोड़नी है लोगों की। आप बताइए, एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जहां पे इन्होंने इंडस्ट्री लगाने की बात की हो, जहां पे इन्होंने कहा हो कि कोरोना काल से जो लोग परेशान हुए हैं उनके बारे में, जिनकी कमर टूट गई उनको हम कुछ उनको राहत देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको दोबारा से उनको जॉब में लाने की कोशिश करेंगे, उनकी इनकम बढ़ाएंगे, उनके बच्चों का जो स्कूल छूट गया उनको कैसे हम दोबारा से उनके स्कूल में एडमिशन हो, कैसे वो दोबारा अपनी बजट के अंदर स्कूल में एडमिशन कैसे होगी इसकी व्यवस्था नहीं की जाती। अनुराग जी, बजट में कितने स्कूल खोले जाएंगे इसकी व्यवस्था की जाती है? जैसे कहा गया है कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रजत सेठी कह रहे थे कि ये बजट में रोजगार की बात है, आपने रजत सेठी पर कटाक्ष करा कि उनको पता नहीं कहां से ज्ञान हो गया। चलिए, वो खुद ही बताएंगे उन्हें कहां से ज्ञान हो गया। रजत नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सचिन जी से कि भाई रोजगार बनते कैसे हैं, निर्मित कैसे होते हैं? नेता नहीं है कोई, बोलिए रजत। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि रोजगार रोजगार निर्मित होते कैसे हैं आखिर। जब अरे आप बता दीजिए ना। देखिए भाई साहब, अगर आप देखेंगे तो 5.5 लाख करोड़ का निवेश सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। अच्छा। जब रोड हाईवे बनाए जाती हैं तो क्या रोजगार नहीं बढ़ते हैं? और ये इमीडिएट होता है, हर साल होता है, हर साल में इस बार में करीब 35% का बढ़ोतरी की गई है। शायद आप बता दीजिए अगर आपको मालूम हो कि रोजगार कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि क्लियरली मैं आपको मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग और जितनी नॉलेज है, क्या परेशानी क्या है, क्या बात कर रहे हैं? हर साल चुनाव होता है इस देश में, तो हाँ तो बोल दीजिए चुनावी बजट है। नहीं, हर साल चुनाव होता है तो अब हर बजट चुनावी बजट हो गया। खोलने की बात हुई है कि 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, हल्का बनाए जाएंगे, कौन सी जगह पे खोले जाएंगे, उनका एडमिशन क्राइटेरिया कौन क्या होगा, कौन कौन लोग। अनुराग अनुराग, ये कोई नेता नहीं है, ये अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। नेता नगरी फैलानी हो तो नेता नगरी कहीं और फैलाइए। अरे आप बताइए, हो रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था की बात है, देश की अर्थव्यवस्था। एक तो आप लोग कुछ पढ़े नहीं, इलेक्शन है या नहीं है, असम में इलेक्शन है या नहीं है, आप नेता नगरी आप कर रहे हैं, आपसे आपकी डिबेट करते हैं, रोजगार बनते कैसे हैं भाई साहब? आप बताइए कि रोजगार कैसे बनते हैं, उनको रोजगार मिलेगा कहां? मैं बहुत शांति से, बहुत तमीज से आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। उनको पानी से लिए उनकी मदद हो जाती, आप बताइए। उनकी कंपनी को बोल दिया जाता है जिस कंपनी में उनका रोजगार गया, उन कंपनियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनको वापस रखा जाए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, आपको क्या लगता है? अरे ऐसे ही होता है, आप कंपनी की मदद करेंगे तो कंपनी। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, अनुराग 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 अनुराग, आपने पूछा, अनुराग 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 अनुराग, एफडीआई से पैसा आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, नौकरियां उसी से बढ़ेंगी ना। अनुराग अनुराग, ये अनुराग अनुराग, ये शाउटिंग मैच तो है नहीं जिसमें आप ज्यादा चिल्लाएंगे, आप ज्यादा तेज बोलेंगे,
देखिए कोई रेस नहीं है, आप अपने विचारों को रखिए, दूसरे व्यक्ति अपने विचार को रखिएगा, कोई नेता नहीं है, आप अकेलौते नेता हैं इस पूरे पैनल के अंदर, आपको बोलने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन एक टैक्स एक्सपर्ट है, एक अर्थशास्त्री है, उनको अपनी बात रखने का हक है, उनको वो अपना अपना व्यू एनालाइज कर सकते हैं बजट के अंदर। आप उन्हें कह रहे हैं कि आप बोलिए पॉपुलिस्ट बजट है, ये बोलिए चुनावी बजट है, तो अपना तर्क रख रहे हैं, आप उनके तर्क को सुनिए, वो आपके तर्क को सुनेंगे, शालीनता इसी में होती है। मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं कि नौकरियां अभी रजत सेठी तो पैदा करके दे नहीं देंगे, नौकरियां ऐसे तो होती नहीं है कि नौकरियां एकदम पैदा हो जाती है, तो रजत सेठी तो नौकरियां पैदा नहीं कर सकते वहां स्टूडियो में बैठे बैठे, तो वो कुछ जवाब दे रहे हैं आपने। अनुराग भाई आप बड़े इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे का निवेदन ये है, हो सकता है आने वाले दिनों में आप मंत्री बने, हो सकता है आने वाले दिनों में आप सूबे के मुख्यमंत्री बने, हो सकता है केंद्र में मंत्री बने, तो कम से कम रजत सेठी को तो 40 सेकंड सुन लीजिए, 50 सेकंड सुन लीजिए, हो सकता है आप ही के काम की कोई बात बता दे, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस बजट की खिंचाई कर रहे हो, आपने सुना ही नहीं उनको, आपने पहले ही सही आपने उन्होंने दो लाइन बोली, आपने पहले ही बोल दिया। अब रजत जी को मैं आपको आऊंगा तनेजा साहब, मुझे पता है मैं दोनों की बात को रिकंसाइल कर दूंगा शायद। लेकिन फर्स्ट रजत सेठी मेक योर पॉइंट, रजत जी रजत जी बिकॉज रजत सेठी एक रिस्पेक्टेड पब्लिक पर्सनालिटी, आई थिंक उनको 40-50 सेकंड सुन लेना चाहिए, उसके बाद अनुराग जी आप रिएक्ट करेगा, तनेजा साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, रजत सेठी देन सेंट्रल मिनिस्टर जॉइनिंग मी जी। बहुत सालों से ये इस ऐसे एक बजट का इंतजार हो रहा था जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे पुरजोर तरीके से प्राथमिकता दी जाए, और कई बार ऐसा हम लोगों ने सुना कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 100 लाख करोड़ की बननी है, लेकिन उसके लिए रोड मैप नहीं समझ में आता था, तो इस बार सरकार ने बहुत सलीके से उसका रोड मैप रखा है, बहुत स्पेसिफिक नंबर्स पे बात की गई है, और जब आप 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और भारत को इस नए डेकेड में, इस नए दशक के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से नौकरियां बनती हैं। अगर आप बताइए कि करीब 2.25 लाख करोड़ सिर्फ हेल्थ सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी केयर के सेक्टर में अगर लगाए जाएंगे, तो डॉक्टर्स नर्सेज इन सबको तो रोजगार मिलेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर आप जल जीवन मिशन में, जहां पर घर घर नल की व्यवस्था करने की बात हो रही है, तो वो नलके कौन लगाएंगे, आपको देश को प्लम्बर चाहिए होंगे, पाइप बनाने वाले लोग चाहिए होंगे, उसके लिए लेबर चाहिए होगा, निश्चित रूप से अगर 3 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए है, तो उससे रोजगार बनेंगे ही बनेंगे। बात ये हो रही है कि इतनी ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से पुश इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक नहीं मिला था, जो कि इस बार प्रधानमंत्री ने रियलाइज किया इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है अनुराग जी, अब आपको कुछ समझ में आया? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही कि पाइपलाइन, जैसे गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाई जाएगी पानी की, शायद ये भूल गए हैं, ये पहले से ही काम चल रहा है हमारे देश के अंदर में। और पिछले साल जब बजट आया था, बजट में वहां भी बजट में भी कहा गया था कि हम इसको जल पूर्ति करने के लिए गांव-गांव पाइपलाइन बिछा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक साल में सरकार ने कितनी पाइपलाइन बिछा दी है गांव-गांव में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा बजट भी आ गया, दूसरे बजट में पैसा अलॉट हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि काम ही नहीं करते, ये अलॉट तो करते हैं पैसा, बातें तो करते हैं, बट वैसा का वैसा ही रह जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दीजिए कितने गांव में पानी पहुंच गया। मैं एक बहुत छोटे से प्रदेश में काम करता हूं जिसका नाम मणिपुर है, और मैं वहां का आर्थिक सलाहकार हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिछले छोटे से प्रदेश में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ और सिर्फ जल आपूर्ति के लिए किया गया है। ये छोटे से प्रदेश का स्थिति है, आप सोचिए कि कितने बड़े प्रदेशों में बड़े बड़े कार्यक्रम जो हो रहे हैं। जल मंत्रालय की रिपोर्ट की वेबसाइट में जाके पड़ी हुई है, उसमें आप अपडेट देख सकते हैं। छोटे छोटे जो दूर से दूर के एरिया है जिनको कि दशकों से नेग्लेक्ट किया गया था, वहां तक। देखिए बड़ी बात यह है कि पानी की पाइपलाइन लगभग काफी बड़े हिस्से में भारत के पहुंची नहीं थी, जो अब पहुंच रही है। कम से कम किसी सरकार ने तो सोचा है कि पानी भी महत्वपूर्ण है। पानी और बिजली जो कि मूलभूत चीजें हैं, वो कई गांव में पहुंची नहीं थी, और पानी तो काफी गांव में नहीं पहुंचा देश के कई इलाकों में, देश के पानी नहीं पहुंचा पानी की पाइपलाइन। वो पानी की पाइपलाइन अगर पहुंचेगी तो बड़ी महत्वपूर्ण है। तनेजा साहब आप वो ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे साथ एक दिल्ली से मिडिल क्लास फैमिली मौजूद है, सीधा उनका मैं रुख करूंगा उसके बाद। तनेजा साहब, मेरे ख्याल से इस विवाद को हम इस तरह से खत्म करते हैं। अभी हमने सुना, तनेजा साहब आपका विवाद को खत्म करेंगे? विवाद तो अभी शुरू हुआ है, बजट आया है, विवाद ही विवाद होगा। नहीं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मतलब जो डिस्कशन हो रही है उसको मैं रिकंसाइल करता हूं, दोनों की बातों को रिकंसाइल करता हूं, बड़े ध्यान से सुन रहा था। जी जी जी। देखिए अभी शशि थरूर की हमने बातें सुनी, वो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक बात कही कि देखिए बजट में कोई बुराई नहीं है। एक तरह से उन्होंने क्या कहा कि आउटले बहुत अच्छी है, लेकिन ये वादे हैं। बजट के दिन क्या हो सकता है? बजट के दिन एक आउटले हो सकता है, एलोकेशन हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन का दिन तो नहीं है आज।
तो अगर ये इससे इससे सहमत है कि जो आउटले है, जो एलोकेशंस है, जो प्लानिंग है वो अच्छी है, तो इसका मतलब बजट को तो सक्सेसफुली बोलेंगे हम। अब देखने वाली बात ये है कि जो अनुराग जी की शिकायत है कि भाई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो वो आज के दिन थोड़ी होगी तय। आपकी शिकायत ये हो सकती है कि साहब बजट आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अब हम उसकी इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन तो यही होगी। अगर हम बजट को ही क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो फिर पहुंचेंगे कहां? कोई तो बजट बनाना पड़ेगा ना। पहले आप बजट बताइए कि अच्छा बना या बुरा बना। बजट की एलोकेशन हम सबको अच्छी लग रही है, तभी तो सेंसेक्स इतना ऊपर जा रहा है कि इससे लग रहा है कि इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड। इससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो आपको बाजार का लेटेस्ट अपडेट बताता हूं। स्टॉक मार्केट जबरदस्त सलामी देते हुए बाजार इस समय 1927 पॉइंट ऊपर है, 48,213% से निफ्टी में भी इजाफा है, बढ़त है निफ्टी में भी। और मैं आपको बता दूं, एक अच्छी खासी बढ़त है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, 48,226-48,228 के बीच में बाजार 1940 पॉइंट ऊपर, यानी करीब करीब 2000 अंकों की बढ़त, एक बड़ी बढ़त इसको मान सकते हैं आज के दौर में। मार्केट्स के अंदर जबरदस्त इजाफा है और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में भी। बाजार की सलामी है इस बजट को, बाजार इस बजट को पसंद कर रहा है, बाजार सलामी ठोक रहा है, यानी निर्मला सीतारमन के बजट को, मोदी सरकार मोदी 2 के दूसरे बजट को बाजार, स्टॉक मार्केट्स की जबरदस्त सलामी है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय दिल्ली से एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ हमारे संवाददाता मौजूद है। ओवर टू यू, क्या कह रहे हैं आम लोग देश के? जी अमीश, एक परिवार के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हालांकि टैक्स में रियायत सबकी डिमांड होती है, लेकिन शायद वो नहीं मिली, लेकिन दूसरी चीजों पे पूछ लेते हैं। क्या उम्मीद थी और कैसा लगा? नहीं, सरकार से जो हमें बजट को लेकर उम्मीदें थी, ऐसा सरकार ने कुछ बजट पास नहीं किया है। जो भी कुछ है, जैसे मान लीजिए रियल स्टेट के लिए क्या कह सकते, कोई बिल पास नहीं किया है। पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए। जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, जो एक अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, रेंट पे रहते हैं, बहुत से लोग, क्या बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं दिया। आपको क्या बेहतर लगा? अभी तक कुछ नहीं लगा जी, सब चीज़ गलती चल रही है। जब बजट, जिसको बजट कहते हो, बजट ही नहीं है। बजट कहते हैं किसको? बजट कहते हैं बचाओ, कुछ करो, कुछ करने लायक ही नहीं है तो बजट कहाँ से होगा? आप कह रहे थे कि जो चीज़ें महिलाओं के लिए की गई हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, अगर दूरदर्शी परिणाम देखा जाए तो उसमें जाके काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ कहना संभव नहीं है कि इसके क्या बेनिफिट्स। दीपक, एक इन लोगों के पास गलत जानकारी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इनको जानकारी दिए, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, सेस लगा है लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम उतने ही रहेंगे, टैक्स मैनेजमेंट बदला है लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, ये जानकारी दीजिए दीपक रावत। देख रहे हैं टीवी पे, तो ये बता रहे हैं कि किसानों को 1.5 गुना तक फायदा होगा और इनकी खरीद चल रही है इसकी अनाज की, तो मुझे नहीं लगता अभी सरकार का कोई भी इस पे लेके स्टैंड क्लियर है। आपको क्या लगता है सर बजट को लेकर कि आपकी जो उम्मीदें थी क्या उस पे खरी उतरी? नहीं, मेरे व्यापार के हिसाब से उम्मीदें पूरी नहीं उतरी हैं। व्यापारियों के लिए उन्होंने कोई रिलैक्स नहीं दिया, टैक्स में रिबेट नहीं दी, जीएसटी में रिबेट नहीं दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। नहीं, वो महंगा नहीं किया सर, वो खाली सेस की बात की है, महंगा नहीं किया। देखिए, स्टेट को जम्मज स्टेट को अधिकार है अपना वैट लगाने का, सेस इन्होंने लगा दिया, वैट फिलहाल घटा दिया, स्टेट 10 बार बढ़ा देगी। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको हम बता देते हैं। लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं बजट 2021 पर हमारी बड़ी कवरेज।